व्हाट्सएप गैंग, कैसे आप सभी लोग। आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज गाइस हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक फूड फार्म, जिसमें हम पोटैटो, कैरेट्स, वीट्स, बीटरूट कौन खाता है, वीट्स उगाएंगे। और इस फार्म की सबसे स्पेशल चीज ये है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है एंड ये तुम्हारे भाई का डिजाइन किया हुआ है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बट भाई डिजाइन अलग होगा। और इस फार्म से हमें जितने भी पोटैटो, कैरेट्स, बीटरूट, वीट वगैरह मिलेगी उसको हम खा भी सकते हैं एंड अपने विलेजर से ट्रेड भी कर सकते हैं, जिनसे हमें मिलेंगे पैसे, माइनक्राफ्ट के पैसे यानी कि एमरलैड। और गाइस ये ऑटोमेटिक फूड फार्म ना आज हमें कैसे भी करके बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा मैं गया था अपने घर के नीचे ट्रायल चैम्बर में, जहाँ से हमें मिलना था मेज। बट भाई वहाँ से मेज तो नहीं मिला, लिटरली वहाँ से उससे भी तगड़ी तगड़ी मुझे आइटम्स मिल गई। जैसे कि सबसे पहले तो ये स्मिथिंग टेम्पलेट, तुमने मुझे बताया ये स्मिथिंग टेम्पलेट मेज से भी ज्यादा रेयरेस्ट आइटम है। और साथ में ये म्यूजिक डिस्क, चलो यार गाने वाने तो बाद में बजाएंगे, बट सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक ये चीज दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी की है। तो गाइस तुम्हें तो याद ही होगा यहाँ पे लिटरली इतना ज्यादा बड़ा पहाड़ था, पहाड़ तो अभी भी है बट इसके ऊपर वो डर्ट नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी डर्ट मैंने शवल से हटा दिया है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे इतनी सारी डर्ट थी एंड अभी तो और भी थी, बट उससे ना मैंने ये जगह फिल कर दिया जहाँ जहाँ पे खड्डे हुए पड़े थे। एंड ये डर्ट ना आज हमारे काम आने वाली है, क्योंकि जहाँ पे मैं फूड फार्म बनाने वाला ना वहाँ पे लिटरली मुझे और भी जगह प्लेन करनी होगी जिसपे हम अपना फूड फार्म बनाएंगे। तो फटाफट से ना ये सारी डर्ट लेके चलते हैं। भाई तुम एक बार मेरी एक्सपी देख रहे हो, कहाँ हमारी एक्सपी 40 थी एंड भाई अभी बस 8 रह चुकी है, क्योंकि ये सारी डर्ट हटाने के लिए ना मैंने अपने विलेजर से एक शवल ट्रेड करी थी एफिशिएंसी 2 की एंड फिर मैंने उसको एनविल पे डाल के उसको एफिशिएंसी 3 की शवल बनाया, उसके साथ मैंने ये सारी की सारी डर्ट हटाई है यहाँ से। नहीं तो भाई मेरे डायमंड शवल की हालत देख रहे हो तुम, ये भी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगी थी। बट चलो खैर, अब तो मैंने यहाँ से डर्ट हटा दिया एंड बेड ना मैं यहीं पे लगा रहने देता हूँ, क्योंकि भाई दो विलेजर पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिटरली। मतलब यार घर मैंने वहां पे बना रखा है, दो विलेजर यहाँ पे घूम रहे हैं, पता नहीं भाई क्या चक्कर है, ये बेड इनको ही दे देते हैं, ठीक है ना। एंड साथ में देखो यहाँ पे भी मैंने एरिया फ्लैट कर रखे हैं, और हाँ यहाँ पे मैंने ये ड्रिप स्टोन भी लगा रखे हैं, मतलब कि जो कि ये ग्रो हो जाएं। बट यार ये ग्रो ही नहीं हो रहे लिटरली। अगर तुम में से किसी को पता है ये ग्रो कैसे होंगे भाई, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, लिटरली यार मैं तो थक गया हूँ इनको ऐसे ग्रो करते करते। एंड चलो एक बार ना अपने स्टोन फार्म, नहीं स्टोन फार्म में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे मेरी इन्वेंटरी में जगह ही नहीं है स्टोन लेने के लिए। ओके तो गाइस यही वाली वो जगह है जिसको हमें बिल्कुल फ्लैट करना है एंड यहाँ पे बनाने वाले हैं हम अपना फूड फार्म। तो एक बार ना यहाँ पे चेस्ट रखते हैं एंड इस चेस्ट में ये सारी की सारी डर्ट में रख देता हूँ, क्योंकि यहीं से डर्ट उठा के फिर वहां से एरिया फ्लैट कर देंगे। एंड जितनी भी ये रेयर आइटम है ना एक बार इनको अपने घर के अंदर रख के आते हैं, अगर कोई भी चीज गुम होगी ना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से अंदर एंड यहाँ पे रख देते हैं इनको एंड साथ में मैं आयरन भी रख देता हूँ। और हाँ इस शवल को ना एक बार रिपेयर कर, नहीं यार रिपेयर मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि लिटरली जो ये शवल है ना भाई इसको जितनी बार इंचेंट करोगे ना उतना ज्यादा ये वेट, मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बनाते हैं ये एनविल एंड ये देखो ये वाली शवल ना मैंने कम से कम 3-4 बारी एंचेंट कर ली होगी एंड इसको मैं एंचेंट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक बारी एक्सपी देखो कितनी ले रहे हैं ये 17। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं ना फिर भी ये बहुत ज्यादा एक्सपी ले रहे हैं, मतलब हम टूल को जितनी बारी एंचेंट करेंगे ना उसकी एक्सपी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, नहीं तो मैं इसी से कर लेता। और हाँ साथ में मैंने यहाँ पे स्टोन डाल रखे हैं। ओके भाई मैंने यहाँ पे स्टोन भी डाल रखे हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं अपना ऑटोमेटिक फूड फार्म, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मटेरियल तो चाहिएगा ही ना। तो गाइस लेट्स गो भाई, फटाफट से ना सारे एरिया को फ्लैट कर देते हैं। वैसे यार बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि लिटरली वो जो पहाड़ है ना भाई मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा टाइम लगा है वहां से डर्ट हटाने पे। ओके तो इस फूड को यहाँ पे रख लेते हैं एंड सारी डर्ट मैं अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ, लेट्स गो। ओके तो अपना फूड फार्म ना कुछ यहाँ पे बनने वाला है, तो फटाफट से ना यहाँ से इस एरिया को फ्लैट कर देते हैं, लेट्स गो। ओके तो गाइज फाइनली मैंने सारा एरिया फ्लैट कर दिया है एंड यहाँ पे अब बनाने वाले हैं हम अपना ऑटोमेटिक फूड फार्म। एंड चलो फटाफट से ना चल के स्टोन वगैरह लेके आते हैं एंड मैं क्या करता हूँ ना एक बार कोबल स्टोन भी ले लेते हैं अपने कोबल स्टोन फार्म से। यहाँ पे भाई मैंने बहुत सारी माइनिंग करी है एंड ये देखो कितना सारा कोबल स्टोन अपने पास। एंड इसको हटा देते हैं, इसको हमेशा लगाना पड़ता है भाई जो कि कोई मूव वगैरह मुझे दुखी ना करे। यहाँ पे मैं 2 स्टैक और डाल देता हूँ। ओके एंड यहाँ से उठा देते हैं ये स्टोन एंड साथ ही में ना मैं कुछ बकेट भी ले लेता हूँ क्योंकि हमें वाटर भी फिल करना पड़ेगा ना उस ऑटोमेटिक फार्म में। एंड साथ में ये वीट सीड ले लेते हैं और मेरे पास पोटैटो, हाँ पोटैटो तो है मेरे पास काफी सारे बट मेरे पास कैरेट नहीं है, हमें कैरेट का भी तो फार्म बनाना है ना। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास बोन मील काफी सारा है, उससे हम उसको बार बार बोन मील करके काफी सारी कैरेट ले लेंगे।
ओके तो मेरे पास काफी सारा सामान आ चुका है, सभी को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब चलो गाइज अब बनाते हैं यहाँ पे अपना ऑटोमेटिक फूड फार्म। बट वेट, उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज इस साल का अपना चैलेंज है, इस साल से पहले पहले हमें 50K सब्सक्राइबर अपने चैनल पे कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज गाइज अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो तुम्हें रोज मिलने वाली हैं। ओके तो ये फार्म ना हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो लेट्स गो। फटाफट से ना पहले मैं आउटलाइन बना लेता हूँ जहाँ जहाँ पे हमें ब्लॉक लगाने हैं। अबे यार ये क्या खुरखुर हो रही है भाई, मुझे लगता है नीचे बहुत सारे मोब हैं। हाँ वो देखो, अबे एक ही है, इसको मैं निपटाता हूँ। क्या इन्होंने इतना ज्यादा शोर मचा रखा है। इधर आता हूँ, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग भाग भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके तो ये 7 आ चुका है, इसको ऐसे कर देते हैं। एंड साथ ही में मुझे 7 ब्लॉक इधर की साइड पे भी करने हैं और यहाँ पे। ओके तो आउटलाइन बन चुकी है, फटाफट से ना यहाँ पे ये ब्लॉक्स लगा देते हैं। ये ब्लॉक ना मैं इसलिए लगा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे ना काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा ये। तो एक बारी ना किनारों पे लगा देते हैं, फिर बाद में बीच में लगाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे लगाओ एंड फिर यहाँ पे लगा देते हैं, एंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एंड सेम साइड में इधर की साइड पे भी कर लेता हूँ। तो ये तो लग चुके हैं, अब फटाफट से ना इनको कनेक्ट कर देते हैं। एंड इनको मुझे स्ट्रिप भी करना है, तो स्ट्रिप करके और भी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे ये। और ये वाला गलत लग गया, कैसे गलत लगा तू है, ऐसे लग। ओके तो रात भी हो चुकी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो रात को ही काम करूंगा। वो पहाड़ को जो मैंने क्लियर आउट किया है एंड यहाँ पे जो एरिया फ्लैट किया ना, वो ये सारा रात को ही किया था मैंने। एंड बीच में क्रीपर भी फट रहे थे तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। वो देखो हड्डी राजा घूम रहा वहाँ पे, चलो उसको छोड़ो। अब फटाफट से ना ये ओक लोग स्ट्रिप कर देते हैं बढ़िया। एंड इनके ऊपर फिर मुझे फैंसी भी लगानी है, बट उससे पहले बीच में मुझे डर्ट फिल करनी है, जो कि हम यहाँ पे क्रॉप उगा सकें। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है, फटाफट से ना बेड में यहीं पे लगा देता हूँ। एंड साथ ही में मैंने यहाँ पे डर्ट भी फिल कर दिया है जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स उगाएंगे। ओके अब फटाफट से ना यहाँ पे पानी डाल देते हैं। ये वाला ब्लॉक कैसे रह गया, इसको ऐसे कर देते हैं। एंड एक बकेट ना और लेके आते हैं, नीचे की साइड पे मैं कैरेट एंड पोटैटो उगा लूंगा, एंड ऊपर की साइड पे उगाएंगे वीट। ऊपर की साइड से काफी ज्यादा बढ़िया दिखेंगे वो। तो लेट्स गो, यहाँ पे भी वाटर आ चुके हैं। एंड अब मुझे चाहिए एक हो। क्राफ्टिंग टेबल मेरा कहाँ पे गया, ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, इसको रखते हैं यहाँ पे। एंड आयरन मेरे पास है, यहाँ से बनाते हैं एक हो। एंड इस हो से फटाफट से इसको ऐसे कर देते हैं, बढ़िया। अभी ना यार मुझे कंपोस्टर वगैरह लेके आने पड़ेंगे, अपने विलेज तो पास में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं चार बनाने हैं ना मुझे, ऊपर भी तो लगाने होंगे। अभी बना लेते हैं उनके कंपोस्टर भी। यहाँ से पानी को उठा के यहाँ पे लगाते हैं स्टेयर, यहाँ पे डालते हैं इस पानी को, एंड इसके ऊपर आ जाएगा ये कंपोस्टर। एंड साथ ही में यहाँ से भी ऐसे कर देते हैं, बढ़िया। अब फटाफट से ना इसके ऊपर ग्लो लाइट वगैरह भी लगा देते हैं, बट उससे पहले अपने कुछ विलेजर को यहाँ पे लेके आते हैं। हेलो सर, कौन आना चाहेगा वहाँ पे, कोई रामू सब्जी वाला बनेगा? हेलो भैया, आप रामू सब्जी वाला बनोगे? अबे हाँ ना कर दे भाई। जो मेरे घर के विलेजर है ना, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जॉब लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लिटरली इतनी दूर से जॉब तो ना आराम से दिख जाती है हर एक विलेजर को, बट ये देख रहे हो तुम? ओके ओके शायद से ये जा रहे हैं। ओके चलो गाइज ये तो आते रहेंगे, अब फटाफट से ना अपनी क्रॉप्स वगैरह लेके आते हैं। ओके लेट्स गो। ओ वेट भाई, एक विलेजर आ चुका है यहाँ पे, ये देखो कितना ज्यादा आराम से आ गया भाई, मुझे तो लेके भी नहीं आने पड़े। ओके क्या ट्रेड कर रहा है ये? ओ तो ये वीट ट्रेड कर रहे हैं, बट यार इसको वीट नहीं ट्रेड करवानी मुझे, उनसे हम पोटैटो वगैरह ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि नीचे तो पोटैटो है ना। ओके तो अब क्या ट्रेड कर रहा है ये? हाँ ये देखो वो वेट गाइस, बीटरूट तो ये काफी ज्यादा सस्ते में ले रहे हैं। यार बीटरूट फिर मुझे उगाने चाहिए थे, उसको ना मुझे लेके आना पड़ेगा उस विलेज से जो काफी ज्यादा दूर है। चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले ना नीचे वाला सेटअप कर देते हैं। और ये इसके ऊपर ऐसे बार बार कूद रहा है ना, इसलिए इसने ये जमीन खराब कर दिया, इसको कर देते हैं ऐसे। एंड इसके ऊपर ना ये श्रूम लाइट लगा देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ से भी खराब कर रखा है इसने। अब इससे यहाँ पे ये लाइट भी रहेगी और इसके ऊपर ये चढ़ेगा भी नहीं। ओके ये चीजें तो डन हो गई हैं, अब फटाफट से ना यार यहाँ पे क्रॉप वगैरह उगा देते हैं। बट क्रॉप उगाने से पहले ना मुझे एक चीज करनी होगी, फटाफट से मुझे चाहिए यहाँ से ये बोन मील। एंड यहाँ पे हो को ऐसे करके उगानी है ये कैरेट, एंड फटाफट से ना इस पे बोन मील मारना मुझे, जो कि ये ग्रो हो जाए ऐसे। और वेट मेरे पास फॉर्चून की पिकैक्स भी तो है, तो ज्यादा कैरेट लेने के लिए ना ऐसे करेंगे। हाँ ये देखो अब की बारी ना 3 मिली है, तुमने देखा 3 मिली है अब की बारी। ये देखो मैंने कैरेट उगाई, एंड अब की बारी मिलेंगी 2, ठीक है। एंड अब की बारी मैंने ऐसे कैरेट उगा के
इस पिकेक्स से किया जो फॉर्चून वाली है, तो उससे शायद से मुझे 3 मिली है, नहीं अभी 2 मिली है, तो वही है ना लक के ऊपर है वो। बट इससे अच्छी बात है भाई मुझे ज्यादा कैरेट मिलेंगी, ये देखो अब की बारी 3 मिली है। लिटरली कैरेट हर एक विलेज में मिल जाती है, बट मेरे पास 3 विलेज है, किसी में भी कैरेट ही नहीं है। ओके तो कैरेट का भी अपने पास एक स्टैक हो चुका है। अब फटाफट से ना क्या करता हूँ, इस कैरेट को यहीं पे लगा देता हूँ, एंड उधर की साइड पे मुझे उगानी है पोटैटो। लेट्स गो, फटाफट से यहाँ पे उगा देते हैं इसको। एंड मुझे लगता है ना मुझे बीट रूट लेके आना चाहिए, क्योंकि वो ना बस 15 बीट रूट के बदले मुझे एक एमरलैड दे रहा है। इतना सस्ता तो ये उस टाइम देगा जब मैं उसको एक ज़ॉम्बी बना के फिर क्योर कर दूंगा। ओके तो यहाँ पे मैंने पोटैटो भी प्लेस कर दिया है। अब मुझे चाहिए स्टोन, एंड इनके मुझे ना स्टोन ब्रिक्स बनवानी है ऐसे करके, बढ़िया। और मैं क्या करता हूँ ना एक स्टैक और बना देता हूँ, एंड जो ये स्टोन ब्रिक है ना इसको मैं लगाने वाला हूँ ऐसे बीच में, क्योंकि यहाँ पे अपने 2 विलेजर्स आएंगे जो इनसे कैरेट कलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे फार्म में विलेजर्स होंगे। तो फटाफट से ना इसको यहाँ पे लगा देते हैं, एंड भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है, बस तुम देखते जाओ। ये देखो अभी से कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। और जो ये वाली जगह ना यहाँ पे फेंसिंग लगाएंगे, बट अभी ना विलेजर्स को लेके आते हैं। भाई यहाँ पे जो वो विलेजर आया था फार्मर वाला, वो देख लो अभी तक आया ही नहीं है, अपने वहीं पे घूम रहा है घर में। ओके तो यहाँ पे एक और विलेजर आ चुके हैं। अब जब ये आ चुके हैं, फटाफट से मैं क्या करता हूँ ना फेंसिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए स्टिक्स, एंड यहाँ से बना लेते हैं स्टिक्स ऐसे करके, और यहाँ से मुझे चाहिए ये ओक लॉग, एंड यहाँ से मुझे चाहिए काफी सारी फेंसिंग। ओके अभी ना इतनी ठीक है, इनको लगा के ओ वेट, दोनों के दोनों अंदर की साइड पे हैं, वाओ भाई वाओ, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं उसको, लेट्स गो। एंड यहाँ पे ये ओक लॉग्स लगा के इनको ऐसे स्ट्रिप कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी आ जाएगी ऐसे करके फेंसिंग। ओके ओके सारी जगह से मैंने इसको कवर कर दिया है, बस लास्ट यहाँ से कवर करना है। ऑल राइट भाई, ये वाले विलेज होते हैं ना लिटरली इतने ज़्यादा बढ़िया है ना, जब तक मैं फेंसिंग लगाता रहा ना कोई भी बाहर नहीं आया यहाँ से, इतने ज़्यादा बढ़िया विलेज रहेंगे। तो ओके गाइस यार अपना फार्म तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, नहीं नहीं अभी अभी वो वाला रेडी नहीं हुआ है, बल्कि कि ये फार्म रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे ना दूसरे वाले विलेजर लेके आते हैं, उनको लेके कैसे आओ? भाई ये घूम रहे हैं ना दोनों के दोनों, ओ इधर आ तू, इनको ना पोटैटो का लालच दे के लेके आते हैं। ओ ये देखो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, पोटैटो खाएगा ये, इधर आ बेटे तुझे आलू के परोठे मैं खुआता हूँ, इधर आ इधर आ। ओए हाँ भाई ये आ गया भाई, तो तेरी जरूरत नहीं है। ओके ओके ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, इसको खाने दो भाई पोटैटो खाने दो, ये तभी आएगा। अबे जा भाई तेरे क्या हो रहा है। ओके इसमें बैठ इसमें बैठ इसमें बैठ, बढ़िया। ऑल राइट भाई इसको मैंने पकड़ लिया है, अब फटाफट से ना इधर लेके चलते हैं। भाई ये वाला बंदा ना लिटरली इसको मैंने बुलाया भी नहीं है फिर भी आ गया ये, रुक जाओ वेट, इससे मैंने ट्रेड करी है। भाई देख रहे हो कौन सा बंदा है, लिटरली वो बंदा आया है जिससे मैंने ट्रेड कर रखी है। वाओ यार नहीं आराम से तो घूम ले यहाँ पे है ना, पता नहीं क्या मिल रहा है इसको यहाँ पे बैठ के। ओके ये वाली बोट मुझे चाहिए है। ओ बढ़िया ऊपर आ गया ना ये, ऊपर आ गया ना, यहाँ पे बैठ यहाँ पे बैठ। ओके बढ़िया इसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया है, एंड भाई ऐसे करके मुझे एक और विलेजर को लेके आना है। ये देख रहे हो ये देख रहे हो कैसे कर रहे हैं भाई, बात करना चाहते हैं एक दूसरे से। ओके तो गाइस यहाँ पे विलेजर्स तो आ चुके हैं, एंड वेट भाई यहाँ पे विलेजर क्या है, इन्होंने तो एक गोलम स्पॉन कर दिया है यहाँ पे। ओके चलो कोई बात नहीं, अब फटाफट से ना यहाँ पे कलेक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको माइन करना है, एंड यहाँ से इसको हटा के इसको लगाते हैं यहाँ पे, एंड इधर किस तरफ फेस करके ना मुझे एक होपर प्लेस करना है। ओके देखते हैं ये हो चुका है। ओके हो गया लेट्स गो, एंड फिर मुझे इधर प्लेस करके ये वाला होपर लगाना है, एंड साथ में ना मुझे इसके ऊपर एक कारपेट रखना होगा, क्योंकि इसी जगह पे आएगा अपना एक विलेजर। तो फटाफट से ना कारपेट लेके आते हैं। कारपेट ओके तो कारपेट यहाँ पे आ चुका है, फटाफट से रखते हैं यहाँ पे ये क्राफ्टिंग टेबल, एंड इसमें से मुझे बनाने हैं ये कारपेट, एंड इस कारपेट को रखते हैं यहाँ पे। ओके तो अब यहाँ पे विलेजर आराम से खड़ा हो सकता है, एंड यहाँ पे ना मुझे एक रेल कार्ट लगानी है, तो पहले एक रेल कार्ट बनाते हैं, एंड उसके बाद आएगी ये रेल कार्ट विद होपर। तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे आएगा ये रेल कार्ट, इसके ऊपर आएगी ये माइन कार्ट विद होपर, एंड साथ ही में मुझे फटाफट से वेट 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 यहाँ पे आएगा ये ट्रैप डोर। ओके तो अब ये माइन कार्ट बिल्कुल नहीं हिलेगी, क्योंकि ये जो ट्रैप डोर है ना इसको ऐसे बचा के रखेगा। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से ना ये रेल यहाँ से हटा देनी है ऐसे करके, एंड ऐसे ही मुझे इधर की साइड पे करना है। तो फटाफट से लगाते हैं यहाँ पे ये होपर, रेल, माइन कार्ड विद होपर, लॉक, ट्रैप डोर, और फिर हम हटा देंगे ये वाली रेल।
और हाँ, जो ये होपर है ना, ये हमें इधर फेस करके लगाना है, क्योंकि सारा सामान हम इधर से कलेक्ट करेंगे। एंड ये कारपेट ऐसे लगा देते हैं और फटाफट से ये वाला ब्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो गाइस ये दोनों सेटअप हो चुके हैं। अब फटाफट से मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे विलेजर्स को रखना है, बट उससे पहले ना मुझे यहाँ पे ग्लास लगाने होंगे, कभी ये बाहर ना भाग जाए। ओके, तो विलेजर के आसपास ना ऐसे पहले ग्लास लगा देते हैं, एंड सेम इधर की साइड पे करना है मुझे। बढ़िया, इसको ना ऐसे पुश करके अंदर की साइड पे कर देंगे। ओ वेट वेट, एक काम कर सकता हूँ मैं एक काम कर सकता हूँ। वेट, कहाँ पे गया। वेट, इनको अंदर भेजने का ना एक बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है। यहाँ पे आएगा ये स्मिथिंग टेबल, और इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे भी आएगा ये स्मिथिंग टेबल, एंड अभी देखना दोनों कैसे कैसे भागे जाएंगे। पहले इसको जाने दो, बढ़िया। एंड यहाँ पे इसको लगाते हैं। अबे फंस गया जाल में, बड़े चलाक बनते हो ना तुम। इसको देखो, ये इतना पागल। अबे यार देख, अंदर गया ना, देख मैं बता रहा हूँ, मैं मारूंगा। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता भाई। इसने ये वाली जॉब नहीं ली, लिटरली ये वाली जॉब ली है, क्या बेवकूफ है ये। ये गोलम भी वहीं पे जाएगा, देखना गोलम भी वहीं पे जाएगा। देख गोलम, तू समझदार है, तू बाहर की साइड पे आ जा, ठीक है ना। ओके, इसको ना बाहर निकालते हैं। अबे यार तू बाहर आना भाई, तू टूल्स बनाने वाला बंदा है, भूल गया। बाहर निकल। बढ़िया, अंदर जा। अबे और अंदर हो जा, अंदर की साइड पे गिर। अबे चल यार, अंदर की साइड पे क्या हो गया, ये देख रहे हो उसके सिर पे चढ़ा पड़ा है। ओके बढ़िया, लेट्स गो भाई, ये अंदर की साइड पे चला गया फाइनली। अब फटाफट से ना ये टेबल हटा के इसको ऐसे लगा देता हूँ, एंड ये टेबल हटा के इसको ऐसे लगा देता हूँ। अबे यहाँ पे, हाँ बढ़िया। ओके तो गाइस इतना फार्म तो डन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस चेस्ट वगैरह लगानी है, एंड यही वाली चीज ना सेम मुझे ऊपर भी बिल्ड ऐसी करनी है, बट वहाँ पे हमें बीट रूट एंड वीट उगाने हैं। अब देखो यार, वीट उगाने के लिए मेरे पास सीड तो है, बट बीट रूट नहीं है मेरे पास। एंड भाई उसको लेने के लिए ना लिटरली बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो विलेज बहुत दूर है। तो मैं सोच रहा हूँ बीट रूट को बाद में ले आएंगे, तो अभी के लिए ना यहाँ पे वीट उगाते हैं दोनों ऊपर की साइड पे। तो ठीक है, फटाफट से ये वाला ना ऊपर की साइड पे बिल्ड कर देते हैं। तो उसके लिए पहले वेट, मैंने सारा सामान वहां पे रख दिया। भाई इसको देखो, लिटरली यार ये खास बंदा है, इससे डायमंड वगैरह टूल वगैरह मैं लेता हूँ, एंड ये नीचे घूम रहा है। अबे क्या भाई, तुझे किसने बोला था तुझे यहाँ पे आने के लिए है भाई, फालतू में नीचे घूम रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, पहले ना होपर बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमें होपर लगाने होंगे। एंड यहाँ पे 5 होपर बन रहे हैं, बना लेते हैं फटाफट से। एंड रेल कार्ड वगैरह ना मैं बाद में बना लूंगा। अब यार गोलम तू भी हट जा भाई साइड में, ये गोलम पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके तो यहाँ से लेंगे 1, मुझे ना एक ब्लॉक के बीच में स्पेस रखनी होगी। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे ये डर्ट। ओके तो इसको तो मैंने फुलफिल कर दिया है, अब फटाफट से चल के ना इधर की साइड पे भी कर लेते हैं। ओके तो ये तो रेडी हो चुके हैं। तुम सोच रहे होगे मैंने ऐसा क्यों कर दिया इसको, भाई यहाँ पे ये वाले ब्लॉक लगाने ना स्ट्रिप वाले, इसलिए फटाफट से इनको लगा देते हैं। भाई देखो यार पूरे तो आ जाएंगे ना, क्योंकि वो वाले ना खत्म हो गए हैं जो मैं कट करके लेके आया था। अब मुझे फिर और कट करने पड़ेंगे, नहीं तो, या फिर शायद से मेरे घर पे भी रखे हैं, पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। मुझे लगता है यही वाले पूरे आ जाएंगे, फटाफट से इनको यहाँ पे लगा देते हैं। एंड ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इनको मैंने लगा भी दिया है, एंड सभी लोग्स को स्ट्रिप भी कर दिया है। ऑलराइट, अब फटाफट से ना अपना काम ऊपर की साइड पे है, तो ऊपर की साइड पे चलते हैं। बढ़िया, एंड ये वाली डर्ट मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। भाई मुझे ना एक बात समझ नहीं आई, जो अपनी डायमंड शॉवल है वो भी इतना ज़्यादा ना स्पीड से माइन नहीं करती है डर्ट को, शायद से इन पे एनचैनमेंट वगैरह लगानी पड़ेगी मुझे। ओके चलो कोई बात नहीं, ये मैंने क्लियर आउट कर दिया है। अब एक बार ना मिड वाला ब्लॉक ढूंढना मुझे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके तो यहाँ पे लगाते हैं ये स्टेयर, एंड कंपोस्टर भी नीचे रह गए मेरे, 2 मिनट में एक बार लेके आता हूँ। भाई आधी चीज तो नीचे है। ओके क्या करता हूँ, अब जब आ गया तो एक बकेट पानी भी ले लेता हूँ यहाँ से, एक नहीं 2 बकेट, क्योंकि हमें 2 फार्म बनाने ना। तो ओके फटाफट से चलते हैं। अभी यहाँ पे गाजर वाजर उग रही है, तो वहाँ पे ये देखो काम देख रहे हो तुम इनके, भाई क्रो बिगाड़ दिए यहाँ से। अंदर जाके ना एक बारी मुझे इनको भी प्लेस करना होगा, बट इसको बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए ना यहाँ पे अपना ऊपर वाला फार्म बनाते हैं, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा ये 1 बकेट पानी, इसके ऊपर आएगा ये कंपोस्टर ऐसे करके, एंड सेम मैंने दूसरी साइड भी करना है, तो उधर की साइड पे चलते हैं। एंड मिड वाला ब्लॉक ना यहीं से देख लेते हैं कहाँ पे है, ऐसे करके यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आएगी ये डर्ट, यहाँ पे आएगी ये स्टेयर, फिर आएगा ये वेट कंपोस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाटर, फिर आएगा ये कंपोस्टर। ऑलराइट तो वाटर मैंने डाल दिए हैं। अब फटाफट से ना यहाँ पे ये फार्मिंग कर देते हैं,
एंड ऊपर की साइड पे हम लगाएंगे वीट जो कि मेरे पास में है, तो फटाफट से ना इस पे हो मार देते एक बारी मिट्टी पे। ओके तो अब यहाँ पे ये वीट भी उगा देते हैं। मुझे लगता है ना ये वीट भी सस्ते में ट्रेड कर लेते हैं, शायद 15 में ही। अगर 15 में करते होंगे ना मज़ा आ जाएगा, फिर ना मुझे बीट रूट नहीं लेके आने पड़ेंगे। मैं इसे लेके आ रहा था, मतलब ये सस्ते में ट्रेड कर रहे थे उसको। ओके तो गाइस यहाँ पे वीट तो उगा दिया बट थोड़ी सी रह गई है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार नीचे की साइड पर चलते हैं एंड साथ में ना विलेजर्स को भी लेके आते हैं जो हमें ऊपर की साइड पर। वेट कुछ फटा भाई कुछ फटा। ओ भाई यहाँ पे लिटरली क्रीपर फट गया नीचे की साइड पे। ये पता कैसे हुआ, नीचे की साइड पे ऐसे क्रीपर था, वहीं पे स्केलेटन होगा तो उस स्केलेटन ने क्रीपर को तीर मारी होगी एंड तब वो फटा होगा, क्योंकि भाई क्रीपर अपने आप नहीं फटता है जब तक स्केलेटन उस पर एक एरो ना मार दे। अबे यार तुमको नीचे ही घूमना है, कहीं और नहीं जा सकते, नीचे ना एक टॉर्च लगानी पड़ेगी मुझे ये वाला। अबे यहाँ से भी तोड़ दिया बेवकूफ ने, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। एंड वेट भाई यहाँ पे पटैटो उगाए थे, ये वीट कैसे उग गई, अपनी तरफ से इसने यहाँ पे बीज लगा दिया होगा। ओके इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे सीढ़ियाँ बना देता हूँ, जो विलेजेस मैं लेके आऊँगा ना अपने आप ही यहाँ पे चढ़ जाएंगे ऊपर की साइड पे, और साथ में यहाँ की फेंसिंग भी कर देते हैं। ओके अपना फार्म तो रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे बारी है विलेजर्स लेके आने की। तो इनको रख लेके आते हैं भाई, इनको लीड से पकड़ के लेके आया हूँ मैं। मतलब यार ये आइडिया मैंने पहले लगाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बढ़िया आइडिया ये तो। ओके वो ऊपर चला गया ना, अब फटाफट से इसको बंद कर देते हैं। अबे यहाँ से क्रॉप भी उड़ा दी तूने, इस पर श्रोम लाइट लगानी पड़ेगी भाई, इस पर चढ़ के काम करते हैं। ये ले पकड़, यहाँ पे आएगी फेंसिंग एंड यहाँ पे आएगी। ओके तो उनको तो ऊपर की साइड पे पहुँचा दिया है, दो विलेजर और लेके आने मुझे। चलो भाई बैठ इसमें, अब ये इतने ज़्यादा बेकार है ना, बैठते नहीं है बिल्कुल भी। बढ़िया, वेट लीड कहाँ पे गई भाई, मैं विलेजर को लेके आ रहा था, लीड ही टूट गई लिटरली एंड लीड ही नहीं है यहाँ पे। गैस यार वो एक ही लीड थी लिटरली, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई। भाई ऐसा भी होता है क्या, लीड टूट जाती है, मैंने तो कभी नहीं देखा, मतलब ऐसे लीड भी टूट जाती है। भाई अब मैं स्पाइकर को कहाँ पे बांधूंगा, लिटरली ये तो ऐसे घूम घूम के कहीं पे भी घूम जाएगा है वो स्पाइकर। यार मैं क्या करूँ, मेरे पास तो लीड भी नहीं है। ओ यहाँ पे है, मेरी चेस्ट में रखी थी। ओके चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे बांध देते हैं। बढ़िया, ओके तो गाइस यहाँ पे मैं दो विलेजर्स को तो ले आया हूँ, अब फटाफट से ना इनको ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे कर देते हैं। बढ़िया, अब ये यहाँ से आराम से चढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे ना एक छोटा सा मुझे कलेक्टिंग सिस्टम बनाना होगा। ओके तो पहले आएगी यहाँ पे थोड़ी सी डर्ट, और जो ये मिड वाला ब्लॉक है इसको ऐसे तोड़ के यहाँ से ब्रेक करते हैं। अबे बाहर नहीं, क्या सोच के गया है भाई ये नीचे, अब जाके दिखाइयो तो अंदर। ओके ये यहाँ से अंदर जाएगा, जा 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 जा। बढ़िया, तो हाँ इसको यहाँ से ऐसे हटा के, तो यहाँ से इसको ऐसे हटाते हैं। यहाँ पे आएगा ये होपर एंड फिर आएगी यहाँ पे ये रेल कार्ट, यहाँ पे आएगी ये माइन कार्ट विद होपर, यहाँ पे आएगा एक ब्लॉक, फिर आएगा ये ट्रैप डोर एंड फिर यहाँ पे आएगा ये होपर एंड इसको ना यहाँ से ऐसे ब्रेक करते हैं एंड यहाँ पे आएगी डबल चेस्ट। बढ़िया, एंड पूरे को ऐसे हमें फिल कर देना है और फिर यहाँ पे ना ये बचे हुए ब्लॉक लगा देने हैं ऐसे करके, और इसको भी यहाँ से हटाओ और यहाँ पे भी आएगा ये ओकलो। ओके तो यहाँ का ये प्रॉपर सिस्टम बन चुका है, तो जो मैंने ये चेस्ट लगाई है ना तुम्हें समझ आ गया होगा, यहाँ पे खड़े गए ये विलेजर, ये वाला विलेजर फिर इसको ये क्रोप देगा, इस माइन कार्ट में वो क्रोप जाएगी एंड जो मैंने होपर नीचे लगाया फिर उस होपर के थ्रू इस चेस्ट में आएगा, और फिर हम इस चेस्ट के नीचे एक ये होपर लगाएंगे जिसके थ्रू वो सारा का सारा क्रोप नीचे की साइड पे चला जाएगा, और फिर एक होपर आगे की तरफ करके ना यहाँ पे चेस्ट लगा देंगे जहाँ पे फिर वो सारा क्रोप आ जाएगा, फिर वहां से हम क्रोप उठा लेंगे चेस्ट में से, हमें ऊपर की साइड पे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये ब्रिक लगा देता हूँ एंड यहाँ पे आएगी ऐसे करके, और फिर यहाँ पे भी लगा देते हैं। ओके सारी चीजें डन हो चुकी हैं, अब बस कुछ नहीं, विलेजर को मुझे ऊपर लेके आना है, तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ ना एक बार यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं एंड ये ग्लास यहाँ पे आ जाएगा। वेट यहाँ पे नहीं आना था ना, गलत हो गया, ये ग्लास आएगा यहाँ पे एंड एक ग्लास आएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे, एंड जो विलेजर की जो फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा देते हैं एंड एक मुझे लगाना है यहाँ पे कंपोस्टर। ओके अभी ये भाई एक तो इनको पकड़ के लेके आओ, ऊपर से ये फिर खुद भी आ जाते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इसको ये ऊपर जाएगा। ओके ओके गया 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 गया, कहाँ पे जा रहा है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है। अबे जा भाई ऊपर, क्या हो गया, इधर जाएगा, हट इधर नहीं जाना तुझे, उधर ही जाना है।
भाई शायद से इसको पता नहीं लग रहा ऊपर की साइड पे जाना है। ओके इसको जाने देते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे जाएगा। अभी दोनों चले गए, क्या पागल है भाई। ओके इसको जाने दो, जा जा अंदर की साइड पे जा। अबे अभी ये सोने के लिए जाएगा, काम करने से पहले तो नींद याद आ जाती है इनको। ये लो सो गया। इस बंदे से ना मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ा, देख रहे हो इससे हमने ट्रेड करी थी एंड यही बहुत ज्यादा काम खराब कर रहा है बार बार आके। चलो जाओ फटाफट से जाओ ऊपर की साइड पे। ओके दोनों के दोनों आ चुके हैं, बढ़िया लेट्स गो। अंदर हो अंदर 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 बट भाई ये बहुत ज्यादा खराब है लिटरली। तू भाग यहाँ से, भाग भाग भाग, बढ़िया। हाँ तू जा तू जा, तू तू समझदार है, जा जॉब ले जाके। अबे यार कोई तो जॉब ले लो, ये पकड़ो जॉब लो तुम, इसकी वजह से हो रहा है, तू जा यहाँ से। ओके तो फाइनली आ चुका है। अबे अंदर घुस। ओके तो गाइस फाइनली इसको कैप्चर कर दिया है, अब फटाफट से ना इसको उठाते हैं। लिटरली यार बहुत ज़्यादा टाइम खा लिया इन्होंने, फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं। तू तो निकल भाई तू निकल, इसने ट्रेड बढ़ा दी होगी ना। हाँ ये देखो इसने ट्रेड बढ़ा दी, कोई बात नहीं बेटे आयरन ट्रेड कर रहे हैं ना, तुझे अच्छे से आयरन दूंगा मैं। चल मैं किसी और विलेजर को लेवल अप कर लूंगा, तो यहीं पे अटका रहा है इनके पास। ओके तो गाइस अपना क्रॉप फार्म बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब बस कुछ नहीं मुझे चेस्ट चाहिए हैं काफी सारे होपर बनाने के लिए। तो अपने ये ओक लॉक्स का काम खत्म हो गया ना, एक बार इसकी ये वुड बनाते हैं। एंड यहाँ से मुझे चाहिए चेस्ट एंड मुझे चाहिए होपर्स और साथ ही में कुछ चेस्ट। ओके तो जो ये वाली चेस्ट है ना फटाफट से इसको ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं होपर एंड एक यहाँ पे लगाते हैं एंड एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एंड एक होपर इधर की साइड पे था, इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे है, इसको लेके चलते हैं इधर की साइड पे, यहाँ से कट करते हैं। वेट उधर से निकलना था, ये आएगा इधर एंड जो ये वाली चेस्ट है ना इसको ऐसे करके ऐसे लगाना है। अब जो ऊपर का सामान है वो भी इस चेस्ट में आएगा एंड जो ये वाले फार्म का सामान है ये भी इसमें आएगा। एंड आर ओ वेट भाई अंदर कैरेट ही कैरेट भरी हुई थी, देख रहे हो इतने टाइम में कितनी सारी कैरेट हो चुकी है भाई, एक स्टैक तो कर भी दिया इसने। ओके अब फटाफट से यहाँ पे भी चेस्ट लगा देते हैं एंड इसको बढ़िया। एंड मैं क्या करता हूँ ना इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एंड ये लास्ट होपर आएगा यहाँ पे। ओके तो गाइज ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया फार्म लग रहा है एंड यहाँ पे ओ गाइज यहाँ पे भी देखो लिटरली कितना सारा सामान आ रखा है भाई। पोटैटो तो इन्होंने फुल भी कर दिया ये। एंड यहाँ पे क्या कुछ आया, यहाँ पे कैरेट्स के दो स्टैक आए हैं एंड यहाँ पे पोटैटो के दो स्टैक आए हैं। ऊपर की साइड पे मैंने वीट वगैरह लगाया बट वीट क्यों नहीं आ रहा है। वेट ये इधर की साइड पे आएगा चेस्ट के अंदर, चेस्ट से जाएगा यहाँ पे। वेट 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 वेट। ओके तो गाइस सारे ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ से हमें मिल रहे हैं पोटैटो एंड यहाँ से हमें मिल रही है काफी सारी कैरेट। बट हाँ यार एक बात समझ में नहीं आई है, जो मैंने ऊपर वीट उगाई है मे बी जो वीट है ना वो काफी ज्यादा टाइम बाद ये देते हैं, ऐसे एकदम से नहीं देते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आ चुका है, चलो कोई बात नहीं। ओके तो गाइस फार्म तो कम्प्लीट हो चुका है, फटाफट से ना यहाँ पे ये स्लैब लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगी ये वाली स्लैब एंड यहाँ पे भी, जो कि ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड जो कॉर्नर्स है ना उन पे ये वाली स्लैब लगाएंगे जो कि वो कॉर्नर हाईलाइट हो जाए। हाँ बढ़िया लग रहे हैं, लेट्स गो इधर की साइड पे लेके चलते हैं इसको, ये आएगा यहाँ पे, बढ़िया। ऑल राइट गाइज फाइनली अपना फूड फार्म बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे देखो ये भाई ये वांडरिंग ट्रेडर भी आ चुका है, क्या सेल कर रहा है ये। भाई 5 एमरलैड में ये मैनग्रोव की सैपलिंग दे रहे हैं, वो मैनग्रोव ट्री होते हैं, वो कुछ नए वाले ट्री आए थे ना वो वाले। वेट एक बार देखना पड़ेगा, मेरे पास 5 एमरलैड है, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। देखो यार एमरलैड तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने उनसे ना टूल ले लिए थे वो शवल, जो कि मैं यहाँ से ये डर्ट हटा सकूं। तो अब मुझे क्या करना है ना फटाफट से यहाँ से पेपर बनाने हैं, क्या बनाने हैं ऐसे करके पेपर, यहाँ से पेपर एंड ये बन गया अपने सारे के सारे पेपर। एंड जो अपना ये लाइब्रेरियन है ना इससे पेपर ट्रेड कर लेते हैं। ओ वाह भाई इसने 9 एमरलैड दे दिए एंड ये मुझे चाहिए अपना क्राफ्टिंग टेबल एंड फटाफट से ना उससे मैनग्रोव की सैपलिंग ले लेते हैं। हेलो हाँ बढ़िया एक ही ठीक है, एक को ग्रो करके भाई उससे फिर वो सैपलिंग ले लेंगे। लेट्स गो गाइस अपने को मैनग्रोव की सैपलिंग मिल चुकी है, इसको ना मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए, बढ़िया देखते हैं ये कैसा पेड़ उगेगा। और वेट गाइस मैंने सुना ना हे बेल से हम लामा को ब्रीड करवा सकते हैं, देखते हैं क्या इसके हे बेल ओ इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर मैं इसको हटा दूं। हाँ ये देखो अब नहीं हो रहे हैं एंड अगर मैं कर दूं आएंगे इधर की साइड पे। ओ ये देखो ये देखो ये देखो। ओके करके देखते हैं ठीक है।
ओए अबे ये तो नॉर्मली खा गया इसको, ये खाएगा, ये भी खा लिया इसने, ओके ये देते हैं। अबे ये तो नॉर्मली खा गया भाई, स्कैम कर दिया इसने मेरे साथ। बड़ा मैं स्कैम करूंगा। इधर ले लीडिए, इधर ले। बढ़िया बढ़िया, एक दूसरे को मारो तुम, इनको पकड़ के ना। वेट मैं क्या करता हूँ, इधर की तरफ साइड पे लेके आते हैं इनको, यहाँ पे बांध देते हैं। बढ़िया, अब ये मुझे बिल्कुल नहीं मार पाएंगे भाई। लिटरली यार मुझे लगा छोटा सा एक लामा आएगा वहां से, उन्होंने तो मेरी सारी हेबल खा ली एंड मुझे कुछ भी नहीं दिया। एंड यहाँ पे मेरा थोड़ा सा खाना है, खाना 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 खाना। अबे खाना कहाँ पे गया, इतना सारा खाना था। चलो छोड़ो यार, पोटैटो खाने पड़ेंगे। तो गाइज अपना फूड फार्म तो रेडी हो गया है, बट जो ये ऊपर वाली बिल्डिंग है ना भाई, ये ऐसे लग रहा है जैसे हवा में उड़ रही है। तो एक ना मुझे यहाँ पे ऐसे पिलर बनाना होगा, ये देखो ऐसे से ही लग रहा है। ये यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, और साथ में क्या करते हैं ना, यहाँ पे लालटेन भी लटका देते हैं। ये मैंने अभी अभी बनाया है भाई इनके लिए। ओ वेट, ये गलत लगा दिया। नहीं नहीं गलत नहीं लगाया मैंने, ये इधर से ही लग रहा है। नहीं यार ऐसे बीच में लगाते हैं इसको। हाँ ये यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। एंड ऐसे करके ना मुझे यहाँ पे भी पिलर बनाने हैं। बढ़िया, एंड यहाँ पे लगाना है मुझे ये वाला लालटेन। एंड ये पिलर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगी ये चैन, यहाँ पे आएगा ये लालटेन। ओके ये अपना लास्ट पिलर, एंड यहाँ पे एक लास्ट लालटेन। ओके तो गाइज फाइनली अपना फूड फार्म बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड लिटरली भाई ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बट हाँ बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो ओए वेट वेट भाई, ये ब्रेड भी बना के देते हैं। गाइज लिटरली यार मैंने ब्रेड ब्रेड तो बनाई भी नहीं है भाई, ये ब्रेड भी बना के देते हैं विलेजर भाई। इसके बारे में मुझे तुम कमेंट में जरूर बताओ, यहाँ पे ब्रेड आई तो आई कैसे। मुझे तो लगा यार बस वो वीट ड्रॉप करेगा उस होपर में, इसने तो लिटरली ब्रेड भी बना दी। अबे क्या क्या चाहिए है, दिन को भी चैन नहीं है तुझे यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ उसको छोड़ो, लिटरली भाई यहाँ पे एक फूड फार्म देखो कितना ज्यादा बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे इतने सारे पोटैटो आ चुके हैं, एंड साथ में इतनी सारी कैरेट्स हैं, एंड हाँ बस वीट नहीं है। बट अब मुझे पता लग गया ना यहाँ पे ब्रेड वगैरह हैं, तो फटाफट से तो मुझे कमेंट में बताओ मुझे इसको ऐसे रखना चाहिए, या फिर मुझे ऊपर की साइड पे बीट रूट या फिर पोटैटो वगैरह भी उगा देने चाहिए। एंड चलो गाइस यहाँ से ना ये पोटैटो वगैरह उठा लेते हैं। अगर भाई इतने सारे पोटैटो आ चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी सी ट्रेड कर ली जाए। हेलो सर इधर आइए, ये ले पोटैटो दे दूँ पहले। बढ़िया लेवल अप हो गया ना, अब बता क्या दे रहा है। ओ भाई ये एक एमरलेड के 4 पंपकिन पाए दे रहा है लिटरली यार मुझे। भाई ये तो बहुत ज्यादा सही हो गया, हमने फूड फार्म बनाया एंड फ्री का हमें फूड भी मिल रहा है। इससे और ज्यादा बढ़िया फार्म कौन सा हो सकता है। सबसे पहले यही बनाना चाहिए अगर सर्वाइवल सीरीज हो तो। इससे ना सारी की सारी मैं ट्रेड कर लेता हूँ भाई, 19 एमरलेड तो हो भी चुके हैं अपने पास, मैंने बताया था ना तुम्हें, इसलिए तो मैंने बनाया ये। ओके ये देखो अपने पास 33 एमरलेड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं कैरेट्स रख देता हूँ, एंड यहाँ पे आ जाएंगे पोटैटो। लेट्स गो भाई, यहाँ से तो माइनक्राफ्ट की मनी मनी निकल रही है। देख रहे हो कितने एमरलेड हो चुके हैं, अब तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने को डायमंड के टूल मिल जाएंगे, डायमंड के आर्मर भी मिल जाएंगे, एंड वॉर्डरिंग ट्रेडर से जो भी हमें ट्रेड करनी है उसके लिए भी अपने पास काफी सारे एमरलेड होंगे। एंड ये सब हुआ है अपने इस ब्यूटीफुल फूड फार्म से। एंड मैं सोच रहा हूँ ना इसकी 2 बिल्डिंग और ऊपर बना दूं, जैसे हमने उस पे बना रखा है अपने शुगर केन फार्म में, यही सही रहेगा। तो चलो यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड जो अपना ये फार्म है ना, एंड यार ये साथ में जो मैंने स्केलेटन एंड ज़ॉम्बी भी पकड़ रखे हैं पंपकिन सिर वाले भाई, इनको ना थोड़ा साइड में करेंगे। ये ना बिल्कुल ऐसे बीच में बैठे हैं, पकड़ रखे हैं मैंने, ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, इनको थोड़ा साइड में करेंगे हम। एंड साथ में जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो वो स्टोन का बड़ा सा पहाड़, मैंने वहां से डर्ट तो हटा दिया है, बट वो स्टोन वाला पहाड़ मैंने इसलिए नहीं हटाया जो कि मैं एक सिल्क टच वाली पिकैक्स से उस सारे पहाड़ को माइन करूंगा। ऐसे हमें ना स्टोन भी मिल जाएंगे, फर्नेस में हमें पकाने भी नहीं पड़ेंगे। तो चलो गाइज अगर आज की वीडियो में तुम्हें मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, और साथ में मुझे ये बताना जो मैंने ऊपर वीट फार्म बनाया भाई उसमें से उसने ब्रेड बना के कैसे देगी, उसको तो वीट देना चाहिए था ना। और साथ में ये भी बताना जो मेरे तुम पीछे ड्रिप स्टोन देख रहे हो भाई उसको मैं कैसे बढ़ाऊं। लिटरली मैंने तो सब कुछ करके देख लिया भाई, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा वहां से। तो चलो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें ऐसी धमाकेदार वीडियो रोज मिलने वाली है। और हाँ अगर तुमने माइनक्राफ्ट का कोई भी एपिसोड मिस किया है तो राइट साइड में पूरी प्लेलिस्ट है, कोई सा भी एपिसोड जाके देखो भाई, मजे आ जाएंगे। एंड लेफ्ट साइड में है कार फॉर सेल की प्लेलिस्ट, तुम उसको भी एंजॉय कर सकते हो। एंड चलो गाइस मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बफी गैंग इज ऑन।